हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल डीजी शाह एक्सरे फूडी में। मैं आपका दोस्त अनु शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। सुबह सुबह ठंड के 8 बज रहे हैं, मतलब टाइम हो रहा 8 बज रहे हैं और ठंड हो रही है कड़ाके की। हम आए हैं विश्वास नगर पर, नहीं विश्वास नगर के नहीं, छोटे बाजार के, मेन छोटे बाजार के सबसे फेमस छोले भटूरे खाने। तो गाइस यहाँ पे शर्मा जी के छोले भटूरे की दुकान आप देखिए। तो अभी चलते हैं अंदर, बात करते हैं इस कार्ट के ओनर से और रिव्यू देते हैं लोगों से और टेस्ट करके बताते हैं जो हमारा खास है। तो चलिए आगे। आइए गाइस बात करते हैं सर से और उनसे पूछते हैं कि उनका कार्ट कब से है यहाँ पे और कितनी ब्रांचेज हैं उनकी। आइए। हेलो भाई, वेलकम टू हमारे चैनल। और आप अपनी दुकान के बारे में बताइए, दुकान कब से है, आपका नाम क्या है? अच्छा, तो आज हमें आप अपने छोले आ गए हैं, भटूरे आ गए हैं। तो भाई सारा माल एकदम बढ़िया लग रहा है, सलाद ही पूरी तरीके से यहाँ पे। सलाद अगर आप देखेंगे तो सलाद में आपको अचार भी मिलेगा, आलू भी है, प्याज भी है, मतलब इतनी महंगी प्याज भी है और गाजर भी है। और जो आप छोले देखेंगे, छोले भी बड़े आपको गाढ़े गाढ़े एकदम तेल वाले छोले हैं, जिसमें देखने में तो बड़े स्पाइसी लग रहे हैं, एक बार टेस्ट करते हैं। गाइस जबरदस्त, मतलब अगर आप ठंड में यहाँ पे आइए और एक बार ट्राई करिए, मज़ा आ जाएगा। आइए टेस्ट करते हैं, बताते हैं कि टेस्ट में कैसा लगता है भटूरा। मेरे तो हाथ कप आ रहे हैं, पर कोई नहीं। भाई सॉलिड है टेस्ट में, छोले जो हैं एकदम सही तरीके से बने हुए हैं, गाढ़े गाढ़े हैं, नमक मिर्च मसाला सब परफेक्ट है। और दिल्ली वाले स्पाइसी ही ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उनके लिए तो बेस्ट हैं एक तरीके से बोला जाए।
अगर मैं 5 में से इन्हें नंबर देना चाहूँगा तो 5 में से 6 ही दूंगा, 5 में से 5 भी नहीं दूंगा, क्योंकि ज़बरदस्त माल है इसलिए। और भाई मुझे लग रहा है मैं दूसरी बार भी आऊँगा यहाँ पे मैं भी एडिक्ट हो जाऊँगा थोड़े टाइम बाद इसलिए। हेलो गाइस, तो अभी चलते हैं और रिव्यू लेते हैं यहाँ पे लोगों के, बात करते हैं उनसे कि वो यहाँ पे कब से आ रहे हैं और उनको जो इस दुकान का टेस्ट है छोले भटूरे का कैसा लगता है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। हेलो सर, हाय, कैसे हैं? सर सुबह सुबह ठंड हो रही है अच्छी खासी और आप यहाँ पे आए हुए हैं शर्मा जी के छोले भटूरे के बाद। तो आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? सिंस ओपनिंग। आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमारी बात हुई कि आप जब से आ रहे हैं तब ये साइकिल चला दें, तो वो कोई एक स्टोरी है आपके पास जो अच्छी हुई, मतलब हंसाने वाली और यादगार? छोटा बाजार के अंदर मेन वाली गली के कोने पे इनके दादाजी जो थे साइकिल के ऊपर लगाया करते थे। अच्छा। और हम लोग अराउंड दिस टाइम 5वीं क्लास के अंदर थे। तो अदरक वाली, ये नींबू वाली अदरक आती थी लाल हुई हुई अदरक के लच्छे जो देते थे वो साथ में, उसका बड़ा क्रेज। तो स्कूल पास में था तो स्कूल के अंदर मतलब कि हफ्ते में एक दिन तो टिफिन, अगर इनके अनिल शर्मा जो उनके दादाजी थे उनके छोले भटूरे ना हो तो वो टिफिन अधूरा सा लगता था। तो बड़ा ही टेस्टी एक शुरू से चलता आ रहा है बहुत लॉन्ग पीरियड। बहुत पुरानी कहानी, 35 साल हो गए। 35 साल गाइस, छोटी मोटी कहानी नहीं, बहुत पुरानी कहानी है। सर आपका नाम क्या है? पंकज। सर आपका नाम? अनुराग भाई। अनुराग भाई, सर आप फ्रेंड्स हैं? और मैं अच्छा। सर कैसा लगा आपको टेस्ट यहाँ का? 5/5। और सर आपको यहाँ पे जो मसाला वगैरह था जितनी भी चीज़ थी वो मसाला और आया टाइप है, मसाला और स्पाइसी था और विंटर्स में थोड़ा स्पाइसी जो है डाइजेस्ट भी हो जाता है। ऑल इन ऑल मतलब अच्छा दे रहा है। गाइस हम लोगों को यहाँ पे मिल गए एक और फूडी, जैसे कि हम फूडी हैं वैसे ही हमारे भाई भी फूडी हैं। तो आइए बात करते हैं हर्ष भाई से और पूछते हैं उनसे कि आप यहाँ पे आए हैं, उन्हें टेस्ट कैसा लगता है यहाँ पे और कब से आ रहे हैं यहाँ पे, और ये फूडी हैं तो ये हमें एक अच्छा ही रिव्यू देंगे या बुरा रिव्यू देंगे हमें नहीं पता, आइए पूछते हैं। तो भाई हेलो, हमारा जो चैनल है उसका नाम है डीसा एक्चुअल फूडी, आपके चैनल का नाम द फूडी बनियाल। गाइस अगर आप इनके चैनल पर जाते हैं और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इनके चैनल पर ज़रूर जाइए, इनकी वीडियोज़ देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी वीडियो को भी ना भूलिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करना, थैंक यू। तो आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं भाई? मैं दरअसल जो कांकेनगर वाली ब्रांच है उनकी, मैं वहाँ पर जाता हूँ। अच्छा। तो लाइक 3 या 4 साल से ऑलमोस्ट ऐसा है कि हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार हो जाता है। भाई यहाँ टेस्ट कैसा है बताओ? टेस्ट मेरे हिसाब से परफेक्ट है। हाँ, अगर जिनको स्पाइसी लगता है उनके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं कि मिर्च थोड़ी ज़्यादा लगेगी उन्हें, बाकी मेरे हिसाब से परफेक्ट टेस्ट। यार दिल्ली वाले तो स्पाइसी होते ही हैं, उसमें तो कोई दोराई नहीं है। भाई ठंड का टाइम है इस टाइम, गर्मा गर्म छोले भटूरे यहाँ से बेस्ट तो कहीं मिलने नहीं, मुझे लग रहा है इस एरिया के अंदर तो मुझे नहीं लगता यहाँ से बेस्ट कहीं मिलेगा। अच्छा भाई, और इनके जो छोले का मसाला है ठीक है, भटूरे का जो भी वे है बनाने का वो आपको कैसा लगता है? कई लोग को ऐसा कहते हैं कि जैसे मैदा के भटूरे बनते हैं तो फिर कहते हैं कि थोड़े टाइम बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़े चिपके से हो जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से खा के देखो तो इनका परफेक्ट लगता है, चाहे इनकी भटूरे की आप ले लो या फिर आप मसाला ले लो छोले का, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट है। तो गाइस सब चीज़ परफेक्ट है। 5 में से कितने स्टार मिलेंगे ना भाई? 5 में से अभी वो भी 5। ग्रेट, गो विद 5। हमारे साथ बने रहिए डीजीशा एक्सरे फूडी और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ में, अपने मेंबर्स के साथ। थैंक यू सो मच।